हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी लोगों के? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? चलिए, आज की क्लास में एक और रिवीजन लेक्चर लेकर मैं आ रहा हूँ। लेक्चर 12, वर्नियर कैलिपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। वर्नियर कैलिपर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास हम लोग वर्नियर कैलिपर पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर है क्या, है ना। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग किसी सिंपल रूलर से बात करें, डैट इज़ एक नॉर्मल स्केल की मदद से अगर हम लोग किसी भी मेज़रमेंट को करते हैं, तो जो हमारे पास नॉर्मल स्केल है, ओके। तो ए वन सेकेंड, चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आप, इस फिगर में दो फिगर मैंने एक साथ दिखाया। ये जो फिगर है, जो नटराज का स्केल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग नॉर्मली अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी देखते हैं ना, तो पता है ये हमारा हो गया सिंपल रूलर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल रूलर। इसे हम लोग नॉर्मली क्या कह रहे थे, स्केल भी कह रहे थे। अगर आप इस स्केल की बात कीजिएगा और मैं बोलूँगा कि इस स्केल से कितनी मिनिमम रीडिंग हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग यही ना जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग लिखते हैं मिनिमम रीडिंग रीडिंग टेकन बाय दिस स्केल, ये स्केल कितनी रीडिंग ले सकता है। तो आप देखना, अगर हम लोग सेंटीमीटर वाले पार्ट की बात करेंगे, तो सेंटीमीटर वाले पार्ट से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 1 मिलीमीटर मिनिमम रीडिंग ले सकता है। 1 मिलीमीटर को आप और क्या कह सकते हैं, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, ये इसकी मिनिमम रीडिंग होती है ना। तो ये नॉर्मल स्केल है। तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हो कि जो नॉर्मल स्केल हमारी है, उस नॉर्मल स्केल से हम लोग मैक्सिमम जो है ना, वो डेसिमल के सिंगल प्लेस तक ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट मीन्स अगर इस स्केल से किसी लेंथ की मेज़र की जाएगी, तो अगर मैं इस स्केल से किसी लेंथ की मेज़र करता हूँ, तो उस केस में हम लोगों को वो मेज़रमेंट 3.5 सेंटीमीटर की मिल सकती है, 6.7 सेंटीमीटर की मिल सकती है, 10.3 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट मिल सकती है, एंड सो ऑन, ये हम लोगों को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी मेज़रमेंट में डेसिमल के सिंगल प्लेस तक हम लोगों ने मेज़रमेंट किया है, ओके। बता रही है ना सभी में, सभी सभी लोगों को समझ में। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाली फिगर जो है वो एक स्पेशल स्केल दिखा रही है। इस स्पेशल स्केल को हम लोग वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर के नाम से जानते हैं। और आज की लेक्चर हमारी कंप्लीट इसी टॉपिक को समझने में जाएगी कि ये वर्नियर कैलिपर है क्या, और वर्नियर कैलिपर से किस तरह से मेज़रमेंट किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर है क्या, क्योंकि हम लोग ये जान चुके कि मेन स्केल जो है ना, वो डेसिमल के एक प्लेस तक ही मेज़रमेंट कर पाता है। तो अगर हम लोगों को मेज़रमेंट में और अच्छी प्रेसिशन चाहिए, तो और अच्छी प्रेसिशन चाहिए, मेज़रमेंट में रिजोल्यूशन चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को स्केल को थोड़ा सा और एडवांस करना पड़ता है। और इसी से रिलेटेड है हमारा कौन सा स्केल, वर्नियर कैलिपर, ओके। आप पे ध्यान दो, अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूंगा, तो नॉर्मली अगर डेसिमल के दो प्लेस तक हम लोग बात कर सकते हैं, तो डेसिमल के दो प्लेस तक हमारा वर्नियर कैलिपर मेज़रमेंट कर लेता है, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं वर्नियर कैलिपर है क्या, फिर आगे समझा जाएगा, ओके। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं, है ना। वर्नियर कैलिपर है क्या, ये भी एक तरह की मेज़रिंग डिवाइस ही है, जिसकी मदद से हम लोग लीनियर डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लीनियर डायमेंशंस बोले तो, अब मान लीजिए कि कोई सिलेंड्रिकल शेप की ऑब्जेक्ट है, तो उस सिलेंड्रिकल शेप की ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेज़र किया जा सकता है। या अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर में बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि कोई सिलेंड्रिकल शेप की रॉड ही है हमारे पास, है ना, उसके लेंथ को मेज़र करना है। तो आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट हमारा जॉस कहलाता है, वर्नियर कैलिपर का, है ना। ये हमारा जॉज हो गया।
तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को मेज़र करना रहता है ना, कुछ नहीं करना है, उसको इन दो जॉस के बीच में फंसा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन जॉस के बीच में हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को फंसा दिया। तो अगर मान लिया जाए कि इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेज़र करना है, तो हम लोग आसानी से इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी स्फीयर के डायमीटर को ही हम लोगों को मेज़र करना है, तो एक स्फीयर लीजिए और इस स्फीयर को यहाँ से आप सेट कर दीजिए इन जॉस के बीच में। इन जॉस के बीच में जैसे ही सेट कीजिएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जब आप इस पार्ट की मेज़रमेंट कीजिएगा, तो ये पार्ट हमारा डायमीटर की मेज़रमेंट देगा। तो हम लोग आसानी से स्फीयर के डायमीटर को भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ओके, वर्नियर कैलिपर का एक और यूज़ देख लीजिए। इसका यूज़ जो है ना, हम लोग डेप्थ के मेज़रमेंट के लिए भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है ना, तो आप इस वाले पार्ट से क्या कर सकते हो, जैसे मान लिया जाए कि अगर डेप्थ मेज़रमेंट करनी है, तो डेप्थ मेज़रमेंट के लिए इस वाले पार्ट का यूज़ किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस, किस तरह से हम लोग किसी सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे, या फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो स्फीयर के डायमीटर को किस तरह से मेजर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th के फिजिक्स लैब में सिखाई जाएंगी। जब आप फिजिक्स लैब में ज्वाइन कीजिएगा, आपके जो प्रैक्टिकल के टीचर रहेंगे ना, तो वो प्रैक्टिकल के टीचर आपको सारी रीडिंग्स लेने के लिए सिखाएंगे, है ना। हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच से बात करते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है और जिस सेक्शन से हम लोगों को ये जेई मेंस में और जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, आज की क्लास में हम लोग उन पर बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे ना कि हम लोग थ्योरेटिकल सेक्शन से पढ़ते हैं, जिस सेक्शन से हम लोगों को फिजिक्स में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो देखिए वर्नियर कैलिपर में ये जो पार्ट है, आपने समझ ही लिया कि ये वाला पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, जॉ कहला रहा है। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जॉ। ओके, तो दो तरह की जॉ आप देख रहे होंगे। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो येलो वाली स्केल आपको दिख रही होगी, ये लंबी सी स्केल आपको दिख रही है ना, यही स्केल हमारी कौन सी स्केल हो जाती है, ये स्केल आपकी मेन स्केल हो जाती है। लिखा हुआ भी होगा आपका मेन स्केल, येलो वाली स्केल। ओके, और येलो वाली स्केल का जो लंबी वाली स्केल है, उसके जॉ की बात करते हैं, तो ये जॉ हमारा फिक्स होता है, ये अपने पोजीशन पर ही बना हुआ रहता है। और आप देखिएगा इस येलो वाले स्केल के ऊपर में भी एक रीडिंग दिखाई गई है, और एक छोटा सा स्केल आपको दिखाया गया है ना, तो ये जो छोटा सा स्केल है, वो इस पूरे स्केल के ऊपर आसानी से क्या हो सकता है, स्लाइड कर सकता है आगे पीछे। आप इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो जॉ है, ये आपकी अपने पोजिशन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये हमारी स्लाइडिंग जॉ हो गई या मूवेबल जॉ हो गई। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं, बोलिए, है ना। तो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि दो स्केल हमारे पास है, एक हमारा क्या है, मेन स्केल है, और दूसरा हमारा वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल जो होता है, वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, और मेन स्केल की जॉ जो है वो फिक्स होती है, और वर्नियर स्केल की जॉ हमारी मूवेबल होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं, हम लोगों ने अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के लिए एक रफ डायग्राम दिया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह का हम लोग दे सकते हैं ना। आप इस डायग्राम में देखिए, ग्रीन वाली स्केल जो है हमारी, ग्रीन बाउंड्री की, वो मेन स्केल है, और जो येलो बाउंड्री से स्केल दिखाई गई है, वो वर्नियर स्केल है। एक सिंपल सा रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पर ये दिखा सकते हैं ना। तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप वर्नियर स्केल के डिवीजन को देखिएगा ना, देखिए अगर ये कोई स्केल है, तो आप यहाँ पर पाइएगा कि ये छोटे 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 मार्क बने हुए रहते हैं। इन्हें आप मार्क कह लीजिए, किसी बुक में इन्हें कैलिब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें हम लोग डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी है, एक ही सेंस में लिए जाते हैं, मार्क, कैलिब्रेशन या डिवीजन, है ना। तो आप देखिएगा कि आम तौर पर अगर हम लोग मैक्सिमम केस में बात करेंगे ना, तो मैक्सिमम केस में वर्नियर स्केल के डिवीजन की जो साइज़ होती है ना, वो मेन स्केल के डिवीजन के साइज से छोटी होती है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, या आप मेन फिगर में भी आइएगा, तो मेन फिगर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए मेन स्केल की जो दो कैलिब्रेशन के बीच में गैप है, और वर्नियर स्केल के दो कैलिब्रेशन के बीच में गैप है, दोनों के गैप में अंतर है। मेन स्केल का गैप बड़ा होता है, और वर्नियर स्केल का गैप
वो होता है, वो हमारा थोड़ा सा छोटा होता है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग नॉर्मली अगर लिखते हैं तो जो स्केल जिस वर्नियर कैलिपर की हम लोग बात करते हैं उस वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के साथ मैच करेगा। याद रखिएगा, आगे हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को, वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के साथ मैच करता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँगा तो ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैंने आपको अभी जस्ट मेंशन किया कि जो वर्नियर स्केल में डिवीज़न की संख्या होती है वो मेन स्केल की डिवीज़न की संख्या से ज़्यादा होती है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर कि वर्नियर स्केल का एन डिवीज़न, वीएसडी का फुल फॉर्म है वर्नियर स्केल डिवीज़न और एमएसडी का फुल फॉर्म है मेन स्केल डिवीज़न। तो मान लीजिए कि वर्नियर स्केल का एन डिवीज़न जो है ना वो मेन स्केल के एन माइनस वन डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता है। तो ऐसे कंडीशन में वर्नियर स्केल का वन डिवीज़न कितने मेन स्केल डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करेगा? तो 1/n-1। ये यूनिटरी मेथड हम लोगों ने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, है ना। तो वन वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1/n-1 मेन स्केल डिवीज़न। ये हमारे पास आज, एक सेकंड मैं इसे सुधार लूँ। यूनिटरी मेथड अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो ये n-1/n आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएंगे n-1/n मेन स्केल डिवीज़न। अब यहाँ पर आता है हम लोगों को लीस्ट काउंट निकालने के लिए। ओके, तो देखिए लीस्ट काउंट किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो किसी भी वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है, दैट इज़ लीस्ट काउंट, इसे हम लोग LC से दिखाएंगे। और ये लीस्ट काउंट होता क्या है, तो वन मेन स्केल डिवीज़न में हम लोग वन वर्नियर स्केल डिवीज़न को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारी लीस्ट काउंट है। तो डैट इज़, अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लीस्ट काउंट कितने मिल जाएंगे बताइए। इट इज़ वन मेन स्केल डिवीज़न और वन वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने आ गए हैं, n-1/n मेन स्केल डिवीज़न। ये मिला हमें ऊपर की कैलकुलेशन में, आप देख सकते हैं ग्रीन से किया हुआ है। जब हम लोगों को लीस्ट काउंट देने होंगे तो लीस्ट काउंट कितने आएंगे बता दीजिए आप। LCM तो n लिख सकते हैं, ये n-n-1 इट मीन्स मेन स्केल डिवीज़न। n और n तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अगर लीस्ट काउंट की बात की जाएगी तो ये लीस्ट काउंट कितने आ जाएंगे, 1/n मेन स्केल डिवीज़न। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएंगे वर्नियर कैलिपर के। ओके, तो ये तो एक जनरल तरीका हो गया हमारा लीस्ट काउंट निकालने का, है ना। अब फिर मान लिया जाए कि जो स्केल हमारे पास अवेलेबल है, जो नॉर्मल स्केल हम लोग फिज़िक्स के लैब में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? तो उसके लिए ये होता है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न जो है ना वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न के साथ मैच कर जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग बहुत ही आसानी से लिखेंगे, इन जनरल 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड्स विथ 9 मेन स्केल डिवीज़न। ये हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो जब आप एक VSD की बात कीजिएगा तो एक VSD आपको कितने मिल जाएंगे, 9/10 MSD इतने नज़र आ जाएंगे, है ना। अब बताइए लीस्ट काउंट की अगर बात की जाएगी तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या दिखता है, 1 MSD-1 VSD, यही ना दिखता है। यहाँ से लीस्ट काउंट की बात कर लीजिए, 1 MSD-1 VSD कितने आ गए, 9/10 MSD आ गए। अब बताइए अगर मुझे लीस्ट काउंट देने हैं तो 1 MSD में 9/10 MSD को ही ना लेस करना है, तो 1-9/10 MSD आ गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/10 MSD आ जाएगा। MSD क्या हो गया, मेन स्केल डिवीज़न हो गया, है ना। तो इट मीन्स अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूँगा तो इट मीन्स लीस्ट काउंट आ जाएंगे 1/10 और मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल में जो मिनिमम रीडिंग होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। आपको मैंने ऊपर लिखा भी था, ये देखिए नटराज वाला स्केल बना हुआ था। और इस स्केल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो मिनिमम रीडिंग होती है वो 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप 1/10 की बात कीजिएगा तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाता है, ये 0.1 सेंटीमीटर ही ना होता है। यही इसकी रीडिंग हो गई जो मेन स्केल डिवीज़न कहलाती है। तो अगर मेरे को लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का पूछा जाएगा तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा,
0.01 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, जिस फिजिक्स लेबोरेटरी में हम लोग वर्नियर स्केल यूज़ कर रहे हैं, उस वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है। या तो आपको मैंने निकालने का फॉर्मूला भी दे दिया, निकालने का फॉर्मूला यही है कि आप देख लीजिए कि वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन जो है मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, फिर आप आगे बढ़ जाइए। है ना, आसान। लिस्ट काउंट तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अब जिस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ये वाला पार्ट देखिए जो स्केल दिखाया गया है, और यहाँ पर मैं एक लेंथ लेने जा रहा हूँ जिस लेंथ की मेज़रमेंट हम लोगों को करनी है, है ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, उस लेंथ को दिखा ही देता हूँ यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लेंथ हम लोगों ने ले लिया है, और ये लेंथ हमारी ए बी ली गई है, ए बी कुछ इस तरह से हम लोगों ने मेंशन कर दिया, डेट्स ए बी वी हैव। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, जब आप इस लेंथ ए बी की बात कर रहे होंगे तो देखने पर ही अंदाज़ा लग रहा है हम लोगों की, ये जो लेंथ है हमारी वो 1.3 सेंटीमीटर से 1.4 सेंटीमीटर के बीच में है। इट मीन्स अगर कोई हमसे पूछेगा कि ये लेंथ कितनी है, तो आप आसानी से कह सकते हैं, फिगर देखिए 1.3 सेंटीमीटर से ए बी बड़ा है, लेकिन यही 1.4 सेंटीमीटर से छोटा है। इट मीन्स 1.3 और 1.4 के बीच में ये लेंथ लाई कर रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिस मेज़रमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, यही ना एग्जांपल था जो वर्नियर स्केल में हम लोगों ने कंसीडर किया था, इसी पर बात कर रहे कि रीडिंग कैसी लेनी चाहिए, है ना। इसी स्केल को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, आप देखिए ये स्केल कॉपी कर लिया गया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर मैं रीडिंग की बात करता हूँ, तो मान लिया जाए कि इस ए बी लेंथ ऑफ ए बी लेंथ को मेजर करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ए को, एंड ए को बिल्कुल ही मेन स्केल के ज़ीरो के आगे लाया, और हम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि लेंथ ए बी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो जहाँ से वर्नियर स्केल शुरू हुई है एकदम वहाँ तक आप आइए, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये लेंथ 1.3 सेंटीमीटर से बड़ा है और 1.4 सेंटीमीटर से छोटा है। मतलब इसकी जो फाइनल रीडिंग आ रही होगी, वो रीडिंग आपकी 1.3 और 1.4 के बीच में आ रही होगी, है ना। अब आप यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैच कराने का काम हम लोग करेंगे। कैसा मैच कराने का काम करेंगे, तो ये जो येलो डिवीज़न मिल रहे हैं ना हम लोगों को छोटे 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 वर्नियर स्केल के, तो आप देखिए तो कितने नंबर के डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के डिवीज़न के साथ मैच कर रहे हैं, मतलब एक ही लोकेशन पर है। आप काउंटिंग कीजिए, यहाँ से ये फर्स्ट डिवीज़न हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया। तो येलो वाले की अगर बात करते हैं, तो येलो वाले की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से देखना कि फर्स्ट येलो वाले में सेकंड सेवन्थ नंबर का जो डिवीज़न है ना, सेवन्थ नंबर का, वो मैच कर जाता है मेन स्केल डिवीज़न के साथ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखने जा रहे हैं कि सेवन्थ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल रीडिंग। तो जब ऐसा हो गया, तो अब आप ए बी की लेंथ को लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी लिखना है ना, तो देखिए ए बी के लिए आप क्या लिखिएगा बताइए। तो ये ए बी 1.3 सेंटीमीटर से तो लार्ज ही है, तो हम लोगों ने 1.3 सेंटीमीटर लिख दिया प्लस। अब आगे हम लोगों को कितना लिखना होगा, तो ये बताइए तो कितने नंबर का डिवीज़न जो है वो मैच किया है मेन स्केल के साथ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाली काउंटिंग, इसको मैं थोड़ा सा रेड मार्क कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये हमारा मैच कर गया जो कि सेवन्थ नंबर का था। ओके, तो अब अगर यहाँ से मैं बात करूँगा, तो सेवन्थ नंबर का डिवीज़न मैच किया है, और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कीजिए, डेट इज़ 0.07 से। तो जब मेरे को ए बी की वैल्यू लिखनी होगी, तो ए बी इज़ इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 1.37 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो ऊपर दिए गए एग्जांपल्स में अगर हम लोग को रीडिंग लेनी थी ए बी की, तो ए बी की रीडिंग क्या आ जाती, 1.3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो सपोज इस रिज़ल्ट को हम लोग रिज़ल्ट वन मान लेते हैं। ओके, रिज़ल्ट वन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली हम लोगों को। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिली, कि अगर हम लोगों को रीडिंग लेनी है, तो ध्यान दीजिए रीडिंग लेने के लिए हम लोगों ने क्या पैटर्न यूज़ किया। तो रीडिंग लेने के लिए हमारे पास n प्लस n इंटू एल सी है। तो अब ये कैपिटल N क्या है, इसकी बात करते हैं। तो कैपिटल N हो गए हमारे मेन स्केल रीडिंग, जिसके बारे में हम लोग श्योर हैं,
तो ये एक तरह से मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग जिस पर हम लोग श्योर हैं कि इतना तो होना ही चाहिए। जैसे इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में 1.3 सेंटीमीटर पर, इस पर हम लोग श्योर थे कि ये 1.3 सेंटीमीटर है। अब उससे कितना ज़्यादा है उसके लिए लीस्ट काउंट और फिर कोइंसाइड वाला केस हम लोगों ने कंबाइन कर देख लिया, तो फाइनली हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद आते हैं स्मॉल एन। तो ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच जस्ट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो स्मॉल एन वही हो गया, कितने नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर जाता है। और बात करते हैं एलसी की, तो ये एलसी हमारे क्या हो गए, लीस्ट काउंट हो गए इंस्ट्रूमेंट के। अच्छा, पता है लीस्ट काउंट को एक और नाम से जानते हैं, लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्नियर कांस्टेंट, वीसी। ये मिल गए हम लोगों को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखी कि अगर हम लोगों को भैया रीडिंग लेनी है, तो भाई इस भाई साहब रीडिंग लेने के लिए आपको कैपिटल एन इज प्लस स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारी रीडिंग आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग समझेंगे ज़ीरो एरर के बारे में, कि ये ज़ीरो एरर होता क्या है, है ना। चलिए ज़ीरो एरर का समझते हैं हम लोग केस। ज़ीरो एरर क्या है, आप देखिए ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो अगर हम लोग इस फिगर की बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये फिगर मैं बड़ा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सर्कल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, आप देखिएगा, तो नीचे वाला स्केल जो है ना वो वर्नियर स्केल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो ये वाली स्केल आपकी वर्नियर स्केल हो जाएगी, वर्नियर स्केल। और ये स्केल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा मेन स्केल हो गया। तो आप देखिए, तो अगर आप वर्नियर स्केल या मेन स्केल पर ही फोकस करते हैं, तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो एक पोजीशन पर नहीं है, है ना। और फर्दर यहाँ भी आप देखिएगा, तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो अलग अलग पोजीशन पर है। तो अभी इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक केस में वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाहिनी तरफ हो सकता है, और इस केस में वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल ज़ीरो के बाईं तरफ हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर बनकर सामने आती है। तो पता ये चला कि जब हम लोग इन दोनों जॉस को मिलाएंगे, आप देखना ये स्लाइडिंग जॉ है हमारी, है ना, तो जब इस जॉ को इधर लाया जाएगा और मिला दीजिए, दोनों को आप मिला दीजिएगा, तो मिलाने के बाद देखिए कि क्या वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो एक ही लोकेशन पर है। अगर एक ही लोकेशन पर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो एक लोकेशन पर नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट में एक एरर डिफाइन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो एरर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ीरो एरर का मतलब एरर ही नहीं है। नहीं, वो ज़ीरो एरर इस सेंस में नहीं लिया गया है। ज़ीरो एरर इस सेंस में लिया गया है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक ही लोकेशन पर नहीं आ रहा है, इस वजह कर एक एरर डिफाइन हो रही है। और इस एरर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज़ीरो एरर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। हाँ, ज़रा देखिएगा, ये जो छोटे छोटे फिगर आपको दिख रहे थे ना, अब इसी को मैंने मैग्नीफाइड कर यहाँ दिखा दिया। आपको साफ दिख रहा है कि ज़ीरो जो है हमारा वर्नियर स्केल का और ज़ीरो जो है मेन स्केल का एक लोकेशन पर नहीं है। इसी को मैं डिफाइन कर लूँ पहले, तब आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ज़ीरो एरर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि जब ज़ीरो वर्नियर स्केल का और ज़ीरो जो है वो मेन स्केल का कोइंसाइड नहीं करता है, तो वो एरर ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर की दो कैटेगरी है, एक है हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक है हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो देखिए, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाहिनी तरफ है, राइट साइड है, तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब जैसे आप इस फिगर की ही बात कीजिएगा, तो अगर मैं इस फिगर की बात करूँगा, तो ये हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर को दिखा रहा है, पीजेडी हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए, वर्नियर स्केल नीचे वाली स्केल हो गई है, ऊपर वाली स्केल आपकी
मेन स्केल है, नीचे वाली वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल का जीरो आपको दाहिनी तरफ दिख रहा है ना, तो डेट्स वाई ये हमारा पी जेड ई पॉजिटिव जीरो एरर होगा। चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि जीरो एरर के साथ रीडिंग किस तरह से ली जाएगी, है ना। वेट कीजिए, मैं तब तक फिगर ड्रॉ कर लूँ। चलिए यहाँ से देखिएगा कि ज़ीरो एरर को किस तरह से निकाला जाता है ना, या ज़ीरो एरर के साथ कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो फिगर दिखा दिया मैंने, तो आप इस फिगर की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से जो हम लोगों को ऊपर वाली स्केल दिखाई दे रही है ये आपकी मेन स्केल हो गई, मेन स्केल। और येलो वाली स्केल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये स्केल हमारी कौन सी स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो अब आप ढूंढिए कि वर्नियर स्केल का कितने नंबर का जो डिवीज़न है वो मैच कर गया मेन स्केल से। आप देखिएगा ज़ीरो के बाद काउंटिंग कीजिएगा, ज़ीरो फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आपको सिक्स नंबर का डिवीज़न जो है ना वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा होगा, है ना। जब ये कोइंसाइड कर रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रेड से मार्क कर देते हैं, ये डिवीज़न हमारी कोइंसाइड हो गई जो कि सिक्स नंबर के डिवीज़न है। ओके, तो अब आगे क्या हम लोग कर सकते हैं उसकी ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ से ध्यान, तो हम लोग जान चुके अब इस सिचुएशन में कि वर्नियर स्केल का सिक्स्थ डिवीज़न जो है ना वो मेन स्केल डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर गया, एक ही लोकेशन पर आ गया। ये एग्जांपल हमारी पॉजिटिव ज़ीरो एरर की है, ठीक है। तो जब आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर पता करना होगा तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, कुछ नहीं, जितने नंबर के डिवीज़न को इनसाइड की है वो लिखिए, सिक्स नंबर के डिवीज़न को इनसाइड की है सिक्स लिख दिया, और इसको लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वन ईयर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो हमारा आ जाएगा वो 0.06 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों का पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ गया। अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाली एग्जांपल जो मैंने ली थी उस एग्जांपल में मैंने रीडिंग निकाला था, आप इस एग्जांपल की बात कीजिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस एग्जांपल में जो रीडिंग आई थी वो 1.3 सेंटीमीटर आई थी। मान लीजिए इस एग्जांपल को मैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर के साथ मिला दूँ, कि मान लीजिए अगर मैंने उस एग्जांपल को मिला दिया तो फिर हमारे पास फाइनल रीडिंग किस तरह से लिखी जाएगी, फाइनल रीडिंग किस तरह से लिखी जाएगी वो हम लोगों को देखना है। तो देखिए, जब आप फाइनल रीडिंग की बात करोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो फाइनल रीडिंग होगी ना इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आपकी ऑलरेडी कोई रीडिंग आई हुई थी ना, तो आप उस रीडिंग की बात कर लीजिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो पहले से हमारे पास है, उस रीडिंग में से आप क्या कीजिए, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को घटा दीजिए, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को घटा दीजिए, आपको फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। अब जैसे इसी एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, जो एग्जांपल हमारे पास था, तो इस एग्जांपल में अगर मैं फ़ाइनल रीडिंग की बात करूँगा तो आप बता सकते हो कि फ़ाइनल रीडिंग कितनी आ जाएगी। बताओ इक्वेशन वन क्या सजेस्ट कर रहा था, इक्वेशन वन सजेस्ट कर रहा था ना हमारे पास की रीडिंग जो है वो 1.3 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो, यहाँ से रीडिंग को क्या कर दो, 1.37 सेंटीमीटर लिख दो, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को घटा दो जो कि 0.06 सेंटीमीटर है, लेस कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइए फाइनल रीडिंग, ये फाइनल रीडिंग हमारी कितनी आ जाएगी, 1.37 में 0.06 अगर हम लोगों ने लेस कर दिया तो ये 1.31 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तब ऐसे कंडीशन में जब इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर रहेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, बताइए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखिएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले से ही लिख दी है, फिगर ड्रॉ कर दिया। आप नेगेटिव ज़ीरो एरर को कैसे समझिएगा, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ है, तो वैसी ज़ीरो एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगी। इससे पहले वाले फिगर में भी हम लोगों ने नेगेटिव ज़ीरो एरर को कुछ इसी तरह से पढ़ा था, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ से देखिए ये वाली फिगर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस वाले फिगर में आप देखना वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड में है, तो ये कौन सी केस हो गई, नेगेटिव ज़ीरो एरर एन जेड ई की केस हो गई ना। तो
तो ये NZE नेगेटिव जीरो एरर की केस हो गई। अब देखिए, अब हम लोगों को जीरो एरर किस तरह से निकालना है। जैसा कि इससे पहले वाली रीडिंग में आपने देखा था पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाला, तो हमने ये देखा था कि वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच किया और लीस्ट काउंट को फिर उसी मैचिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव जीरो एरर आ गया था, है ना। तो यहाँ पर भी सेम काम हम लोग करते हैं। ये देखिए कि वर्नियर स्केल का कितने नंबर का डिवीजन जो है ना वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर गया है। तो आप गिनिए, तो आप ज़रा देखिएगा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन हमारा मैच कर रहा है ना। तो यहाँ से आपको दिखेगा फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ नंबर का डिवीजन आपको मैच करता हुआ दिखा है ना। तो मैं इसको मैच करा देता हूँ, ये हमारा फिफ्थ नंबर का डिवीजन है जो मैच कर गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग लिखना चाहते तो इतना लिख सकते। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाँचवें नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड किया है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लिया जाए कि हम लोगों को नेगेटिव जीरो एरर NZE निकालना है, NZE नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर कितना निकल जाएगा बताइए। ये 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.05 सेंटीमीटर, ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर आ गया। इट मींस नेगेटिव जीरो एरर हमारा 0.05 सेंटीमीटर आ गया, है ना। ये मिल गया हम लोगों को। अब देखिए, अब मेरे को अगर फाइनल रीडिंग लिखनी है तो क्या होगा, किस तरह से लिखा जाएगा। आप इससे पहले वाली एग्जांपल में आइए जो हमारा रिजल्ट वन था। आप देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट वन है ना, ए बी की लेंथ इक्वेशन वन में आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1.37 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। अगर मान लो कि इसी एग्जाम्पल में, इसी एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव जीरो एरर हो रहा होता तो फाइनल रीडिंग कैसे लिखते। तो यहाँ से देखिए, जब मेरे को फाइनल रीडिंग लिखनी है ना, तो फाइनल रीडिंग लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो रीडिंग हमारे पास पहले से है, डैट इज़ ऑलरेडी हमारे पास जो रीडिंग है उसमें क्या करेंगे आप देखना। तो पॉजिटिव जीरो एरर को आपने क्या किया था, घटा दिया था, नेगेटिव जीरो एरर को ऐड कर देंगे। यही आपको करना है, पॉजिटिव जीरो एरर को घटाते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो जब बात आएगी फाइनल रीडिंग की तो हम लोग लिख सकते हैं ना फाइनल रीडिंग कितनी आ जाएगी। तो ये आपका 1.37 सेंटीमीटर था और नेगेटिव जीरो एरर 0.05 सेंटीमीटर आ गए, तो हेंस फाइनल रीडिंग आ गया ना। फाइनल रीडिंग कितने मिल गए हम लोगों को, 1.42 सेंटीमीटर। 1.42 सेंटीमीटर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये हमारा वन ईयर स्केल हो गया। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने ये अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया कि वर्नियर स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल का क्या होता है और वर्नियर स्केल से रीडिंग किस तरह से ली जाती है। वो रीडिंग लेने के लिए मैंने सिखा दिया, लीस्ट काउंट के बारे में सीख लिया, ज़ीरो एरर के बारे में सीख लिया, ज़ीरो एरर दो कैटेगरी का होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर सीख लिया, फिर इसके बाद नेगेटिव ज़ीरो एरर पर हम लोगों ने बात कर लिया, ज़ीरो एरर के साथ हम लोगों ने रीडिंग ले ली। इतनी सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने कर ली हैं। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में, इस पर, किस पर बात करते हैं, वर्नियर स्केल पर। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मिलकर सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विथ एन प्लस वंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए यूनिट्स, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे अब मैं याद दिलाऊंगा तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल ही बड़ा आसान हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन के लिए तो आप लिख सकते हैं ना, एन प्लस वंथ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद, कोइंसाइड्स विद कितने मेन स्केल स्केल डिवीजन के साथ, तो एनथ मेन स्केल डिवीजन, है ना, मेन स्केल डिवीजन ये हो गए। तो एन प्लस वंथ वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड कर रहा है एनथ मेन स्केल डिवीजन से, तो अब बताइए वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ को इंसाइड करेगा, एन बाई एन प्लस वन मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ,
आपको निकालना क्या है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो आप बताइए, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला LC इज इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने, 1 MSD माइनस 1 VSD पढ़ाया। तो अब बता दीजिए लीस्ट काउंट, तो ये कितने आ गए 1 MSD, और 1 VSD कितने आ जाएंगे, n/n+1 MSD आ जाएगा। ये हम लोगों को मिल गए। तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूंगा तो लीस्ट काउंट कितने आ जाएंगे बताओ, तो यहाँ से n+1 - n/(n+1) कैलकुलेशन तो यही सजेस्ट करेगा, MSD इतने आ गए, n और n कैंसिल कर सकते हैं। तो बताइए लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे, 1/(n+1) MSD इतना मिल जाएगा, है ना। अब ज़रा ध्यान देना, एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया ना, गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए यूनिट्स, तो 1 मेन स्केल डिवीजन ए यूनिट्स के इक्वल है। तो जब लीस्ट काउंट रखेंगे तो मेन स्केल डिवीजन की जगह पर ए यूनिट रख दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, a/(n+1) यूनिट्स, यही हमारा लीस्ट काउंट हो गया और ये आंसर हो गया, डेट्स इट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ है, IT में 2005 से पहले का क्वेश्चन है, इसीलिए ये बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोगों के, चलिए यहाँ से देखिएगा इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस वाले एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाए। अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन दी मेन स्केल, है ना। तो देखिए मेन स्केल पर 1 mm मार्क्स है, इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। देखिए आप थोड़ा सा ऑर्डिनरी ट्रैक से ये हट कर आ रहा है, कहता है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना वो 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो आप यहाँ से लिखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 16 मेन स्केल डिवीजन। अगर ऐसा हो गया तो आप बता दीजिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, मैच करेगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच करेगा, क्या ये कैंसिल नहीं होगा। तो जब आप लिखेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो बताइए, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये कितने आ जाएंगे, 16/20, तो ये तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 मेन स्केल डिवीजन आप लिख सकते हैं ना। अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, मेन स्केल डिवीजन की जो मिनिमम रीडिंग है वो 1 mm क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जब मेरे को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की बात की जाएगी तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 4/5 × 1 mm आप लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या आ जाएगा, 4/5 mm आ जाएगा, ये हमारा आ गया। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बेसिकली 4/5 की अगर बात कीजिएगा तो ये 0.8 mm आ गए, जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे 0.08 cm इतने आ गए, ये हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया। आपको निकालना क्या, आपको लीस्ट काउंट निकालना। तो ये बताइए जब लीस्ट काउंट की बात होती है तो लीस्ट काउंट कितने होते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन - 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो मेन स्केल डिवीजन की बात करो तो मेन स्केल डिवीजन आपका इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो आपका 1 mm दिया गया है। तो 1 mm बोले तो कितना आ जाएगा, 0.1 cm आ जाएगा, और वर्नियर स्केल डिवीजन 0.08 cm आ जाएगा। तो जब अगर हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को लीस्ट काउंट कितने मिल जाएंगे वो हमें पता करने, हाँ तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.02 cm आ जाएगा, यही हमारा लीस्ट काउंट हो गया। देख लीजिए ये आपका वर्नियर स्केल जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में यही हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई किया जाए, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 cm। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखिए जो लीस्ट काउंट दिए गए हैं 0.01 cm दिया हुआ था, लिख दिया आसानी से। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो जैसे अभी के दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं ना, इन्हीं दो क्वेश्चन के तरीके से इसे भी आप निकाल सकते थे।
खैर आगे बढ़ते। क्वेश्चन कहता है व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर। देखिए तो जब दो जॉ को टच किया जाता था तो जीरो बताया था मैंने कि जीरो एरर की कंडीशन हो जाती है ना। तो मैंने बताया था कि जब दो जॉ को टच कराया जाता है तो ये जीरो एरर की कंडीशन हो जाती है। और बताइए आगे क्या लिखा हुआ, फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल को इनसाइड्स भी था मेन स्केल डिवीजन। और कहता है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। इतनी चीजें तो अब बताओ तो आप, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो जब जीरो वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड में होगा तो ये कौन सी जीरो एरर होगी, नेगेटिव जीरो एरर होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, साफ कह रहा है कि ये नेगेटिव जीरो एरर का केस है। अब बताइए नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालिएगा, तो कितने नंबर का डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर गया मेन स्केल के साथ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि फिफ्थ नंबर का डिवीजन कोइंसाइड किया है, तो 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, तो ये कितने आ जाएंगे 0.05 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा हमारा। चलिए इसका काम हमारा जो है ना वो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है, फर्दर मोर व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा जब हम लोग मेजर कर रहे हैं तो जो हमारी रीडिंग है वो 2.4 से 2.5 के बीच में है, तो हम लोग कौन से रीडिंग के बारे में श्योर हैं, 2.54 सेंटीमीटर के बारे में श्योर हैं। तो जो रीडिंग आप ले रहे हो हमारी रीडिंग के लिए एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ये जो मिल जाएगी वो 2.4 सेंटीमीटर होगी, ये श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि कम से कम इतना आना ही है। आगे क्या कहता है कि सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया और कहता है कि वर्नियर स्केल का सिक्स्थ डिवीजन जो है ना वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया है। तो रीडिंग लिखने के लिए मैंने बताया था आपको 6 × 0.01। अब बोलोगे ये कहाँ बताया, तो आप देखो यहाँ पर मैंने बताया होगा जब ये वाली एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा था, ये वाली एग्जाम्पल जिसमें ए बी की मेज़रमेंट लेनी थी, तो मैंने नहीं बताया था आपको कि ये हमारा जो होता है 1.3 से 1.4 के बीच में, तो 1.3 श्योर रीडिंग थी। और फिर रीडिंग लेने के लिए n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट वाला फार्मूला बताया था, तो इसी चीज़ को तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रीडिंग हम लोगों ने ले ली, अगर इसको मैं सॉल्व कर लिखूँगा तो ये 2.46 सेंटीमीटर की रीडिंग हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पर कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो नेगेटिव जीरो एरर है। तो फाइनल रीडिंग में हम लोग क्या करते थे, जो रीडिंग हमारे पास पहले से है अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो उसको ऐड कर दीजिए, 0.05 लिख दीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे 2.51 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। बोलिए इतना मिल जाएगा ना, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। ओके देखिए अभी एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये है जेई एडवांस में आया हुआ 2016 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस सेंस में अच्छा है वो आपको पता चल जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स ऑन द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन डैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो आप इस स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कि द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन डैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, है ना। ये चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं डैट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ओके अगर मैं आगे बात करूँगा तो नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट में दिया गया द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन डैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया, C1 जो कैलिपर है ना, C1 कैलिपर में क्या दिया हुआ है, अगर मैं C1 कैलिपर की बात करूँगा ना तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना वो कोइंसाइड्स करता है 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ, जबकि कैलिपर
C2 कैलिपर अगर हम लोग बात करते हैं C2 की, तो इसमें दिए गए हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड्स करते हैं 11 मेन स्केल डिवीजन से। अब देखिए ये थोड़ा आपका जो है ना वो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली यही होता था कि वर्नियर स्केल डिवीजन की जो क्वांटिटीज़ है वो ज़्यादा होती है मेन स्केल डिवीजन से। लेकिन आप कैलिपर C2 की अगर बात करोगे ना, तो वर्नियर कैलिपर C2 में वर्नियर स्केल्स की डिवीजन जो है ना वो मेन स्केल की डिवीजन से कम है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड्स कर रहा है 11th मेन स्केल डिवीजन में। और यही चीज़ है जो इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाती है, और स्पेशली जब हम लोग C2 कैलिपर के लिए जब सॉल्व करेंगे ना तो उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। रही बात C1 की, तो C1 को तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, है ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, इन दोनों कैलिपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं आपकी आसानी के लिए लिख दूँ, इन दोनों कैलिपर में अगर आप गौर से देखना तो आपको 7th नंबर का रीडिंग जो है ना वो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल से। आप देखना पहले कैलिपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th नंबर की जो रीडिंग है वो कोइंसाइड कर रही है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7th रीडिंग, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ना, 7 रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल, कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल। ये आपको C1 के लिए मिल गया। C2 के लिए देखिए, C2 के लिए भी सेम कंडीशन आ जाएगी हमारी। यहाँ से देखिएगा आप, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़रा ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ भी जो है ना 7th ही नंबर की रीडिंग जो है ना वो मैच कर रही है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं, आसानी से आप लिख देना, 7th रीडिंग, 7th रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल। ये मिल गया हम लोगों को। इतनी सारी चीज़ें फिगर से समझ लेने के बाद अब हम लोग आते हैं, हम लोगों को निकालना है कि रीडिंग वर्नियर कैलिपर C1 कितनी रीडिंग शो करेगा और C2 कितनी रीडिंग शो करेगा, उसे हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो ज़रा देखिए कैलिपर C1 के लिए अगर हम लोग आसानी से लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए फॉर कैलिपर C1। तो कैलिपर C1 तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा किसके साथ कोइंसाइड कर गया, 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो ये तो नॉर्मल होता है, 10 VSD coincides with 9 MSD। तो यहाँ से अगर मैं 1 VSD की बात करूँगा तो 1 VSD कितने आ जाएंगे, 9/10 MSD आ जाएगा। फिर लीस्ट काउंट की अगर बात कर ली जाएगी तो लीस्ट काउंट क्या निकाल सकते थे आप, 1 MSD माइनस 1 VSD निकाल सकते थे। इट मींस 1 MSD माइनस 9/10 MSD ये हमारा हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करना तो लीस्ट काउंट आपको कितना मिल जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। इसमें कोई माथा पेची नहीं है। अब आपको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, उस रीडिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रीडिंग के लिए वापस फिगर में आइए। अब फिगर में आइएगा तो आपको कितनी रीडिंग दिख रही है, देखिए तो ज़रा, ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से देखिए तो ये रीडिंग आपको कितनी दिखाई दे रही है, वर्नियर स्केल का 0 कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है आपको, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 है ना। तो अगर मैंने इस लाइन को मैंने AB मान लिया तो जाहिर सी बात है अगर AB की लेंथ की बात करेंगे तो ये 2.8 सेंटीमीटर से 2.9 सेंटीमीटर के बीच में है। तो आप लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर के बीच में इतनी रीडिंग हम लोगों को मिल जाएगी, 2.8 से 2.9 के बीच में। आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है ना, 2.8 से बड़ा है, तो इट मींस 2.8 और 2.9 के बीच में। तो मैंने रीडिंग लेने के लिए तो आपको पहले से ही पढ़ा रखा है, ये 2.8 श्योर वैल्यू है। ओके,
फिर आप जान रहे हो कि कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो गया है, तो सातवें नंबर का जो डिवीजन होता है ना वो कोइंसाइड कर गया है, तो आगे लिखने के लिए 7 × 0.01 लिख देना, तो ये कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.0 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2.87 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ये कैलिपर वन हम लोगों ने शो कर दिया, वर्नियर कैलिपर फर्स्ट की रीडिंग आ गई। अगर मैं बात करूंगा फॉर कैलिपर C2, कैलिपर C2 किस तरह से ये रीडिंग करेगा तो उसकी हम लोग बात करते हैं, तो ज़रा ध्यान दी देखिए ज़रा, अब वर्नियर कैलिपर C2 से किस तरह से रीडिंग ली जाएगी, है ना। तो C2 से अगर हम लोग रीडिंग की बात करेंगे तो बताइए मेज़रमेंट कितनी आ जाएगी। ये तो बात जाहिर सी है कि मेज़रमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग रीडिंग की बात करते हैं, ये वाली रीडिंग, तो आप देखना तो ये 2.8 सेंटीमीटर से बड़ी दिखाई दे रही है ना। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ से रीडिंग लेता हूँ, तो ये रीडिंग मैंने कितना ले लिया, ये रीडिंग मैंने ले लिया 2.8 सेंटीमीटर प्लस x ले लिया, प्लस x। अब ये x क्या है उसकी मैं बात करूँगा, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2.8 सेंटीमीटर तो बस यहीं पर आकर ख़त्म हो रहा है ना। आप देखना ये वाला मैच, मैं ये वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, तो यहाँ से आपको इस लाइन की अगर मैं बात करूँगा यहाँ से, तो आप देखना यहाँ पर एक हल्का सा गैप दिखेगा हम लोगों को, तो येलो वाली लाइन के बीच में और ब्लू वाली लाइन के बीच में एक छोटा सा गैप है, इसी गैप को हम लोग एक्स लेंथ मान रहे हैं, कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये बहुत छोटी सी लेंथ, ये लेंथ हमारी एक्स हो गई, इतना दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया कि ये जो छोटी सी लेंथ है हमारी, इसी लेंथ को हम लोगों ने एक्स कंसीडर कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, ज़रा ध्यान देंगे आप, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, ये हम लोगों को पता है ना कि वर्नियर स्केल का सातवां नंबर का डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता, मैच करता है, ये पहले भी मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो सातवें नंबर का डिवीज़न है ना, ये मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर गया, मैच कर गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास मिल गए। अब बताइए अगर मुझे इस लेंथ को लिखना है, इस गैप को लिखना है, तो ये गैप कितना हो जाए, ये गैप कितना हो जाएगा बताइए। तो आप क्लास की अच्छी खासी क्लास हो गई यहाँ पर, अब हम लोग जल्दी रैपअप करेंगे। अगर मुझे ये गैप लिखना है तो ये गैप कितने हो जाएंगे आप बता दो। तो यहाँ से काउंटिंग करना, तो जो येलो वाला जो छोटा सा निशान दिख रहा है ना, उसको ज़ीरो मानो और बाकी के लाइन को काउंट करो, तो बाकी का लाइन क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर आ गया, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अगर ये 8 आ गए तो इसका मतलब है कि आपको इस लेंथ को निकालना है, तो क्या ये लेंथ ऐसा नहीं हो जाएगा 0.8 माइनस एक सेंटीमीटर, इतने लेंथ हमारे आ गए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि येलो वाले से लेकर अगर हम लोग वहाँ तक जाते हैं तो ये कंप्लीट लेंथ आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी की पूरी लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो सॉरी 0.8 सेंटीमीटर है। तो अगर आप 0.8 सेंटीमीटर में से x को लेस कर दोगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, हमारे पास बन जाएंगे 0.8 माइनस x, जो कि इन दोनों बड़ी वाली लाइन देख रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब देखिए आगे क्या कर सकते, तो इस गैप का नाम हम लोगों ने सपोज़ रख दिया ए बी, है ना। तो यहाँ पर फॉर मेन स्केल, फॉर मेन स्केल, अगर आप मेन स्केल से आइएगा तो बताइए, तो ए बी की लेंथ को आप कितना लिख सकते हैं, 0.8 माइनस एक्स सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसी लेंथ को आप वर्नियर स्केल की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप कैसे वर्नियर स्केल की मदद से निकालेंगे उस पर बात कर लेते हैं ना। आप बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आप ज़रा देखिए, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड करता है 11 मेन स्केल डिवीज़न के साथ, है ना। तो जब मैं वर्नियर स्केल के लिए लिखूँगा फॉर वर्नियर स्केल, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड्स विथ 11 मेन स्केल डिवीज़न, ये क्वेश्चन में दिए गए हैं।
तो अगर मैं वन वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करूंगा तो ये कितने आ जाएंगे, 11/10 मेन स्केल डिवीजन आ जाएंगे। ओके, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/10 बोले तो 1.1 और वन मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 0.11 सेंटीमीटर हम लोगों को वन वर्नियर स्केल डिवीजन मिल जाएगा। ओके, अब ज़रा ध्यान देना, वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने नंबर का रीडिंग जो है वो मैच कर गया है आपका मेन स्केल रीडिंग के साथ, तो वो आपको दिख रहा है कि 7th नंबर का मैच किया था, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, है ना। तो जब 7th नंबर का मैच किया है तो केवल वर्नियर स्केल से अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ मेजर कीजिएगा तो 7 को 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.11 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लेंथ अब आपका ए बी जो लेंथ है ना वो वर्नियर स्केल से डिफाइन हो जाएगा। तो अगेन ए बी जब आप लिखिएगा, अगेन ए बी जब आप लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 7th नंबर्स की रीडिंग मैच की है और वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.11, तो यहाँ से ये कितने आ जाएंगे, 0.77 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो इतने मिल गए। अब बताओ तो वर्नियर स्केल से जो ए बी की मेज़रमेंट है या फिर मेन स्केल से जो ए बी की मेज़रमेंट है, दोनों तो ए बी की ही ना मेज़रमेंट है, सेम गैप को ही ना दिखा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 0.77 इज इक्वल टू 0.8 माइनस एक्स। अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 0.8 माइनस 0.77 लिखिएगा तो इट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.03 सेंटीमीटर। जब x आ गया तो आप बताइए जिस रीडिंग की बात हम लोग कर रहे थे वो रीडिंग यही थी ना जिसे हम लोग इस इक्वेशन में रख रहे थे 2.8 प्लस एक्स, तो हेंस रीडिंग। तो अब बता दीजिए रीडिंग कितनी दिख जाएगी हम लोगों को, तो हेंस रीडिंग इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2.8 प्लस एक्स, इट मींस 2.8 प्लस 0.03 2.83 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो तरीका हो गया हमारा, ये तरीका हमारा हो गया जनरल तरीका, और ये कब एप्लीकेबल हो जाएगा, तो जब आपका नॉर्मली वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना वो मेन स्केल डिवीजन से जैसे ही छोटा पड़ेगा आप जनरल तरीके से रीडिंग को दिखा सकते हैं। अगर आप इस मेथड को पहले वाले क्वेश्चन पर भी, कैलिपर C1 पर भी अप्लाई कीजिएगा ना, तो आंसर आपका एग्जैक्ट 2.87 हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट अप्रोच से ही निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट निकाल लिया और रीडिंग लेने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो जब वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा है मेन स्केल डिवीजन से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है और 9 मेन स्केल डिवीजन है, तो ऐसे कंडीशन में आप नॉर्मल तरीका सीखिए जो आप शुरू से सीखते आए हैं। लेकिन जब अगर वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा पड़ जाएगा मेन स्केल डिवीजन से, जैसा कि इस क्वेश्चन में पड़ा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड किया है 11 मेन स्केल डिवीजन से, तो आप इस तरीके से जाइएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आज की लेक्चर आपको वर्नियर कैलिपर को समझने में काफ़ी मदद की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली अगला लेक्चर हम लोग स्क्रू गेज से ही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, और पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, हम लोगों को एक बैकअप मिल गया है, ठीक है। तो चलिए भाई फिर मिला जाए अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, अलविदा।